why you play the game with the people that writing the rules. Ain't the fame that I'm after when paying the dues. I've been through the pain that's reflected in the attitude. Might be winning now, but the thing is that I had to lose. So go and tell me what you really want to do. And lonely at the top, cause there ain't a lot of room. Ain't no other option, it's all I ever knew. So I'ma get it popping, you know how I'ma do. अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ एस्पायरिंग होम्स। मेरा नाम मोहम्मद हसन और आज आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का दो कनाल का मॉडर्न घर लेके आए हैं। अलवासे बिल्डर्स का ये घर है और इंतहाई खूबसूरत एलिवेशन है। इस तरह का फ्यूचरिस्टिक एलिवेशन आप लोगों ने अभी तक DHA में किसी भी घर का नहीं देखा होगा। ऑल एंड ऑल इम्पोर्टेड टाइल लगी हुई, आप देख सकते हैं ब्लैक ग्रे एंड बेज कलर में इसका टोटल कलर स्कीम है। एंड लॉन की आप कारपेटिंग चेक करें तो इंतहाई खूबसूरत ग्रास है। यहाँ पर अगर आप देखें राइट साइड पर तो सारी प्लांटेशन इंपोर्टेड प्लांट्स में हुई हुई है। बॉन्साई लगा हुआ है यहाँ पर आप देख सकते हैं, पाम ट्रीज लगे हुए हैं। अच्छा, घर का जो एलिवेशन है आप देख सकते हैं इंतहाई खूबसूरत है। और यहाँ से आप देखें तो बेज कलर में इन्होंने 3 लूवर्स दे दिए हैं। वॉल लैंप्स इंतहाई जबरदस्त किस्म के लगाए गए हैं और आप देखें तो COB लाइट्स का यूज किया गया है। और ऊपर अगर आप चेक करें तो WPC शीट के पैनल्स हैं, तो व्हाइट कलर की जो है वो गैराज की छत आ जाती है और ऊपर जो है वो बेज एंड ब्लैक कलर का बहुत ही प्यारा कॉम्बिनेशन है। सामने एक इन्होंने फुल स्केल का विंडो दे दी है यहाँ पर और उसमें ग्रिड्स हैं और दरवाजे के ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं और 1 स्टेप अप पे ग्रेनाइट लगा हुआ है और इंतहाई जबरदस्त किस्म का एलिवेशन है। अगर आप गैराज में भी स्विचेस चेक करें तो इसके ऑटोमेटेड स्विचेस हैं, टच स्क्रीन के साथ हैं। और घर के अंदर चल के देखते हैं घर के अंदर क्या क्या है। कम विद मी। घर के अंदर आते साथ ही आपको एक बहुत ही वाव किस्म की एक लॉबी आपको वेलकम करेगी। सेंटर में एक राउंड टेबल आ जाता है, ऊपर जो डेकोरेशन पीसेज हैं वो ब्लैक एंड गोल्ड एंड वाइट में है। आप देखें तो वॉल्स के ऊपर ट्रेवर्टीन यूज हुआ है और सेंटर में ब्रास की स्ट्रिप्स हैं। ऊपर एक फ्लोटिंग कैंडल का LED शैंडलियर है। यहाँ से कटिंग है जो कि डबल हाइट लॉबी नीचे से बना रही है और यहाँ से आपका स्टेयरकेस जा रहा है वुड एंड ऊपर जो है वो मार्बल है। और एक बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का इस लॉबी का व्यू है। यहाँ पर एक छोटा सा ग्लास ब्रिज है और ग्लास ब्रिज के नीचे अगर आप चेकें तो ऊपर टेम्पर ग्लास यूज़ किया गया है और यहाँ से नीचे बिल्कुल आपको व्यू आ रहा है। यहाँ पर एक सिटिंग बनाई गई है ऊपर ज़ेब्रा प्रिंट में, इसके बड़े ही ज़बरदस्त किस्म के स्टूल्स हैं। यहाँ से एक वॉकवे है जो कि बेडरूम्स की तरफ जा रहा है। चलते हैं जी फर्स्ट ऑफ ऑल इसके स्टडी की तरफ। स्टडी अगर आप चेक करें तो स्टडी एक बहुत ही अमेजिंग सा डिसेंट सा इन्होंने स्टडी एरिया बनाया है। स्टडी एरिया में यहाँ पर लैंप आ जाता है, डेस्क है, प्रॉपर वुड का डेस्क है और एक बड़ी ही न्यू क्लासिकल स्टाइल की इसमें चेयर्स हैं। यहाँ पर अगर आप चेक करें तो 2 सिटिंग्स हैं और इसमें जो है आप देख सकते हैं कि हॉर्स का इसमें स्कल्पचर लगा हुआ है और ये एक प्रॉपर इन्होंने रैक बनाया है। और मर्करी मिरर में इसकी विंडोज़ आ जाती हैं। पीछे भी इन्होंने हॉर्सेस की कुछ स्केचेस दे दिए हैं। वॉल लैंप्स आ गए, सीलिंग इसकी बड़ी प्रॉपर है, तो ऑफिस आपका बहुत ही प्रॉपर सा बन जाता है और बहुत ही यूनिक सा ऑफिस है। यहाँ से अगर आप चेक तो आपका टीवी लाउंज आ जाता है। राइट साइड पे घर के एलिवेशन में टीवी लाउंज दे दिया है। वॉल्स पे अगर आप चेक करें तो इटालियन टेक्सचर्ड पेंट है। अंदर चले तो इसके आप डोर चेक कर सकते हैं। डोर का डिज़ाइन बड़ा यूनिक है, इसमें ग्लास है, वुड है एंड सेंटर में गोल्डन कलर में ब्रास की स्ट्रिप्स हैं। यहाँ पर अगर आप चेक करें तो एक कॉन्सोल आ जाता है। कॉन्सोल बहुत ही यूनिक सा क्लासिकल स्टाइल का गोल्ड फॉइलिंग में है और ये आ जाता है आपका टीवी लाउंज के सेंटर में एक शैंडलियर आ जाता है और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि पिंक एंड ग्रे का बड़ा ही खूबसूरत सा कॉम्बिनेशन बनाया गया है। यहाँ से अगर आप चेक करें तो ग्रे पिंक एंड सेंटर में इसके जो है वो ब्लाइंड आ जाती है। इसके अलावा यहाँ पर भी आपकी प्रॉपर सिटिंग बनाई गई है। 2 सोफाज आ जाते हैं सिंगल एंड सेंटर में कॉफी टेबल आ जाती है। इसी तरह राउंड कॉफी टेबल सेंटर में दे दी है। ऊपर स्कल्पचर्स बहुत खूबसूरत हैं। दीज आर माई फेवरेट। आप देख सकते हैं चेस के पीसेज हैं और बड़े ही ज़बरदस्त किस्म के किंग, आई थिंक ये क्वीन है, किंग है और एक इसमें हॉर्स है। यहाँ पर आपकी मीडिया वॉल आ जाती है। मीडिया वॉल में भी फायर प्लेस दे दी है इन्होंने और साथ आप देखें तो इसमें एक फुल साइज़ का LED TV है। नीचे कॉन्सोल आ जाता है। चलते हैं जी इसकी ड्राइंग एंड डाइनिंग की तरफ। उसके बाद इसके बेडरूम चेक करते हैं, किचन भी चेक करते हैं। यहाँ से आपकी जो इसमें घर का जो फ्लो है आप देख सकते हैं कि बड़ा ही यूनिक है। यहाँ पर लेफ्ट साइड पे पाउडर रूम आ जाता है। पाउडर रूम में भी आप अगर चेक करें तो ग्रे कलर की इसमें डार्क ग्रे कलर की टाइल्स हैं और LED स्मार्ट मिरर्स हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें टच सेंसिटिव का इसमें जो है वो बटन लगा हुआ है। यहाँ पर आपकी कोरियन की वैनिटी आ जाती है। साइड पे कोरियन है, साथ कंसील टॉयलेट है, पीछे विंडो आ जाएगी तो बड़ा ही यूनिक साइज का जो है वो पाउडर रूम भी बन जाता है। यहाँ से अगर आप आएँ तो नीचे वुडन फ्लोरिंग आ जाती है। ड्राइंग एंड डाइनिंग कम्बाइंड है। सेंटर में इसको जो डिवाइड करिए वो एक फायर प्लेस है और अगेन इस घर के जो कलर कॉम्बिनेशन है वो बहुत यूनिक प्ले किए गए हैं। यहाँ से आप चेक करें तो आपका एमरल्ड ग्रीन कलर में एक सोफ़ा आ जाता है। सेंटर में स्टेनलेस स्टील की ह्यूज साइज़ की कॉफ़ी टेबल है। साइड पे बेज कलर में सोफ़ाज़ हैं और अगेन इस घर की हर कॉम्पोजिशन को आप चेक करें तो डिफरेंट है। और ये जो इसकी सिटिंग है ये बहुत ही यूनिक लग रही है, एक बड़ा ही ब्रेक क्रिएट कर रही है। यहाँ से अगर हम चलें तो आप देख सकते हैं कि सेंटर में फायर प्लेस आ जाती है। फायर प्लेस के ऊपर भी अगर आप स्विचेस भी चेक करें तो पूरे घर में LED सेंसिटिव स्विचेस हैं, सॉरी टच सेंसिटिव स्विचेस हैं। आप लाइट ऑन ऑफ यहाँ से कर सकते हैं और यहाँ पर आपकी फायर प्लेस आ जाती है। तो ये आ गया। यहाँ से आ जाता है आपका डाइनिंग एरिया।
डाइनिंग एरिया के साथ अगर आप चेक करें तो कॉन्सोल है और पीछे वॉल का प्रॉपर कंपोजिशन है, ऊपर दो लैंप्स हैं। यहाँ से अगर आप देखें तो आपकी डाइनिंग टेबल आ जाती है। डाइनिंग टेबल के अंदर भी स्टेनलेस स्टील का जो है वो लाइंस जा रही हैं और साथ इसमें जो है वो आई थिंक 12 सीटेड डाइनिंग टेबल है और साथ ऊपर क्रिस्टल का इसमें जो है वो इन्होंने शैंडलियर यूज़ किया है। यहाँ से एक और कॉन्सोल आ जाता है और पीछे जो डाइनिंग की वॉल है आप देख सकते हैं उसमें मटीरियल्स के साथ बहुत ही अच्छे से प्ले किया गया है। यहाँ से एंट्री आती है किचन की ताकि आप सर्व भी कर सकें, लेकिन हम बाहर से जाते हैं। यहाँ से हम चलेंगे जी इसके किचन की तरफ और किचन एक बड़ा ही सिंपल मिनिमल सा ब्लैक एंड बेज में टू कलर टोन्स के साथ पूरा किचन उन्होंने दे दिया है। यहाँ पर आपके आ जाती हैं दो डबल एक डबल डोर फ्रिज आ जाती है जो कि हिटाची की प्रोफेशनल फ्रिज है और इसके अलावा यहाँ पर फ्रैंके का बेकिंग ओवन आ जाता है, माइक्रोवेव ओवन आ जाता है। ये आपकी सारा जो है वो शेल्फ आ जाती है, शेल्फ भी कोरियन की है और इसके ऊपर मैट ब्लैक कलर का इम्पोर्टेड फ्रैंके का ही इसमें इन्होंने वॉशिंग एरिया दे दिया है। अगेन इसमें इम्पोर्टेड फ्रैंके का आप देख सकते हैं कि इसमें स्टोव है, ऊपर हुड है और एक सेंटर में किचन आइलैंड बना दिया इन्होंने और एक बहुत ही यूनिक साइज में जो है इन्होंने मटेरियल्स के साथ प्ले किया है। ये शीट बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है। इसमें ये आ जाती है इसकी किचन की शेल्फ रैक एंड मीडिया वॉल और यहाँ पर आपकी एलईडी टीवी आ जाएगा तो आपकी रेसिपीज वगैरह जो है वो लग जाएंगी यहाँ पे। अच्छा, इसके जो डर्टी किचन है, जो सर्विस किचन है, वो अगर आप चेक करें तो इस तरह के घर के लिए इस तरह का प्रोफेशनल किचन जरूरी है जहाँ पर आप हाई क्वालिफाइड शेफ रख के आप अच्छे साइज की कुकिंग कर सकते हैं। और ये भी अच्छी क्वालिटी के स्टेनलेस स्टील में सारा किचन बना हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके जो स्टोव्स हैं वो फुली प्रोफेशनल हैं, ऊपर हुड है इसके। यहाँ पर वॉशिंग एरियाज आ जाते हैं, स्टेनलेस स्टील की कैबिनेट है। यहाँ पर एक छोटा सा एरिया लॉन्ड्री का बना हुआ है तो यहाँ पर आपकी वॉशिंग मशीन एंड लॉन्ड्री एरिया आ जाएगा। तो ये इसका जो सर्विस किचन है वो बहुत ही यूनिक है, घर की जो ज़रूरत है उसका भी बहुत अच्छे से ख्याल रखा गया। ये वॉकवे है जी बेडरूम की तरफ और दोनों बेडरूम यहाँ पे मास्टर बेड एंड चाइल्ड बेड आए थे। एक छोटा सा कॉम्पोजिशन यहाँ पे इन्होंने दे दिया उसमें गोल्डन कलर में, आप देख सकते हैं कलमा लिखा हुआ है साइड पे पूरे फ्रेम के और बहुत ही खूबसूरत सा कॉन्सोल है इसमें। यहाँ से अगर आप आ जाएँ तो यह लेफ्ट साइड पर आ जाता है आपका चाइल्ड बेड, ये मास्टर बेडरूम आ जाता है। एक्चुअली दोनों ही मास्टर बेडरूम के लेवल के बेडरूम्स हैं और ये अगर आप अंदर आएँ तो इसमें इन्होंने फुल बेस पे वुडन फ्लोरिंग आ जाती है, इम्पोर्टेड फर्नीचर है। इसमें हर चीज़ जो है वो प्रॉपरली कस्टमाइज़ की गई है, डिज़ाइंड यूज़ की गई है, हर चीज़ का एक पर्पज़ आपको नज़र आ रहा होगा। आप देखें तो पीछे WPC पैनल्स हैं और ये जो बेड वॉल है एक साइड से कर्व है, एक साइड से प्रॉपर बनी हुई है। ऊपर फ्रेमिंग्स हैं नियो क्लासिकल स्टाइल में, इन्होंने यहाँ पर फ्रेमिंग्स दे दी हैं। अगर आप यहाँ पर चेक करें तो बहुत ही खूबसूरत सा मेरून कलर में यहाँ पर पर्पलिश एंड मेरूनिश सा कलर है ये और ये आप इसका देख सकते हैं कि सोफ़ाज आ जाते हैं। और इसके ऊपर अगर आप चेक करें तो चेयर्स के अंदर ऑफ वाइट कलर में चेयर्स हैं और इसमें वो बड़ा ही प्रॉपरली कॉम्प्लीमेंट करता हुआ एम्ब्रॉयडरी में पैटर्न बना हुआ है। और ये आ जाते हैं इसके कर्टेंस और ऊपर सीलिंग का जो डिज़ाइन है वो सिंपल रखा गया ताकि घर को ओवर पावर ना करे। और पेंटिंग्स इसमें बहुत ही ज़बरदस्त दी गई हैं। नीचे रखा आ जाता है, ये इसकी मीडिया वॉल बन जाएगी। मीडिया वॉल का कॉन्सोल अगर आप चेक करें तो ऊपर वुड है, सामने गोल्डन के इसमें जो है वो ग्रिड्स हैं और ग्लास लगा हुआ है, मिरर लगा हुआ है और सामने दो वॉल लैंप्स आ जाते हैं। साइड पे विंडोज़ भी हैं तो नेचुरल लाइट की भी इस घर में कमी नहीं होनी। ये है जी ड्रेसिंग एरिया इसका। ड्रेसिंग टेबल अगर आप चेक करें तो यूनिक सी ड्रेसिंग टेबल है, नीचे ड्रॉर्स हैं और फ्लोटिंग ग्लासेस में लग रहा है और सामने इसका पूरा आपका जो है वो आ जाता है। अच्छा, इस तरफ अगर आप देखें तो ये आपका पूरा वॉकिंग क्लोजेट बन जाएगा। वॉकिंग क्लोजेट के अंदर आप आएँ तो हर तरफ इसके मिरर्स हैं, मिरर्स वाली वार्डरोब्स हैं। आप चेक करें तो हर वार्डरोब सॉफ्ट क्लोजिंग है तो हर चीज़ जो है वो आपके जो ग्लास के डोर्स हैं वो डैमेज नहीं होंगे अगर आप इनको छोड़ भी देते हैं ज़ोर से। यहाँ से अगर आप चेक करें तो इसका वॉशरूम आ जाता है। वॉशरूम भी बड़ा ही डिसेंट साइज़ का, इनफ साइज़ का वॉशरूम दिया गया है। ज़्यादा इसको ह्यूज नहीं बनाया गया ताकि आपकी जो स्पेस है वो वेस्ट ना हो और बहुत ही अच्छे साइज़ का मास्टर वॉशरूम है। पीछे चीता प्रिंट में टाइल आ जाती है, निश के ऊपर मिरर दे दिया, जिकूजी भी आ गया, शावर केबिन भी आ गया। यहाँ पर दो प्राइवेट वैनिटीज़ आ जाती हैं, ऊपर गोल्डन कलर में अगर आप चेक करें तो इंतहा यूनिक साइज में इन्होंने हार्डवेयर यूज़ किया है। और यहाँ पर एक इन्वर्टेड यहाँ पर प्रॉपर आर्च दी गई है और यहाँ पर इन्वर्टेड आर्च का मिरर है और यहाँ पर एक वॉल लैंप आ जाता है। तो ओवरऑल वॉशरूम की जो फील है वो बड़े मज़े की है। साइड पे चलते हैं इसके चाइल्ड बेड की तरफ और ये आ जाता है जी इसका चाइल्ड बेडरूम। चाइल्ड बेडरूम भी अगर आप चेक करें तो इट्स नॉट अ चाइल्ड बेड, इट्स अ मास्टर बेड। और आपकी यहाँ पर सिटिंग भी आ जाती है, यहाँ पर प्रॉपर बेड आ जाता है। बेड की भी जो इन्होंने सिलेक्शन की है सिंपल रखा है, बेड वॉल को ज़्यादा ओवर नहीं किया। इसी तरह से बेड की जो सेटिंग है वो भी आप देखें तो कलर कॉम्बिनेशन हर रूम के डिफरेंट बनाए गए हैं। यहाँ पे ग्रे एंड गोल्डन ऑरेंज है और इसके साथ अगर आप चेक करें तो ये इसमें WPC पैनल्स हैं, साथ इसमें मिरर्स हैं और साथ दो लैंप हैं, साइड टेबल्स आ जाती हैं। ये आ जाती है बेड की सिटिंग और सिटिंग में अगर आप चेक करें तो वन स्टेप अप है। सेंटर में वुडन फ्लोरिंग दी हुई है और ये जो टेबल है ये लेदर की
पूरी प्रॉपर लेदर की टेबल है और अंदर सॉलिड वुड का इसका फ्रेम है, और ये आपके जो सोफ़ाज़ हैं वो बहुत ही यूनिक है। अगेन इस रूम में इन्होंने जो स्विचेस दिए हैं वो ऑटोमेटेड स्विचेस हैं। ये आ जाती है आपकी कंबाइंड वॉक इन क्लॉजेट प्लस वॉशरूम अटैच। तो यहाँ पर अगर आप चेक करें तो इसमें भी इन्होंने डुअल वैनिटीज़ दी हैं, टोटल कोरियन की कस्टमाइज्ड वैनिटी है, राउंड मिरर्स हैं, सेंटर में नेचुरल लाइट के लिए विंडो दे दी, और यहाँ पर अगर आप चेक करें तो इसका एक प्रॉपर सा कंसील्ड टॉयलेट आ जाता है। ये आ जाता है जी आपका शावर कैबिन। शावर कैबिन में भी आप देख सकते हैं अच्छी स्पेस है, ग्लास बहुत ही प्रॉपर दिया गया है, डोर्स की जो हिंजेस हैं वो टॉप में यहाँ पर निशेज हैं, और कुछ ना कुछ यहाँ पे इन्होंने अच्छे लेवल का इसमें दे दिया। अच्छा, इसके जो कंट्रोल्स हैं सामने बिल्कुल इन्होंने फ्रंट पे दे दिए, और ये ग्रोही की इसमें फिटिंग्स लगी हुई हैं, तो ये भी एक इसका जो है वो प्लस पॉइंट है कि इस घर में जो क्वालिटी है बड़ी टॉप नॉच है। चलते हैं जी इसके फर्स्ट फ्लोर की तरफ, एंड फर्स्ट फ्लोर जाकर चेक करते हैं। अच्छा, फर्स्ट फ्लोर पे हम आ चुके हैं। फर्स्ट फ्लोर अगर आप चेक करें तो इंतहाई ज़बरदस्त का स्टेयरकेस जो है इसका आप देख सकते हैं कि इसमें सॉलिड वुड का रेलिंग है, प्लस इसमें ग्लास है, और ग्लास को होल्ड करने के लिए बड़े ही सॉलिड किस्म के स्टैंड्स हैं। पूरी स्टेयरकेस में मार्बल यूज़ किया गया है, और ऊपर आएँ तो आपकी जो साइड वाली पट्टी है इस पर मार्बल है। यहाँ पर आ जाता है इसका टीवी लाउंज, यहाँ पर भी इसका प्रॉपर सी इसका जो आर्किटेक्चर है बड़ा ही डिफरेंट यूज़ किया गया है। ये आपका आ जाएगा टेरेस, टेरेस पर चल के देखते हैं कि टेरेस पर क्या क्या है। तो ये है जी हमारा, एक लॉक ओपन कर लेते हैं, ये आ गया जी हमारा कोजी सा बहुत ही खूबसूरत सा टेरेस, और टेरेस पे एक फ्रेश एयर है, यहाँ पर बड़ी ज़बरदस्त किस्म की हवा का गुजर यहाँ से अच्छा है, और पीछे टाइल दे दी, लाइट्स दे दी, प्लांटर्स आ गए, आउटडोर फर्नीचर आ गया, बहुत ही अमेजिंग यहाँ से आपका जो है वो सिटिंग बन जाती है टेरेस की। और यहाँ से पहले हम राइट साइड पर चलते हैं, फिर हम लेफ्ट साइड पर चलेंगे एलिवेशन की। ये आ जाती है एलिवेशन की, एलिवेशन फेसिंग इस तरफ को है, तो ये आ जाती है आपकी राइट साइड। राइट साइड पर चलें तो सबसे पहले नंबर पर आपको सर्विस किचन मिल जाता है। सर्विस किचन के ऊपर प्रॉपर कोरियन दिया है इन्होंने, और इसकी जो शीट्स यूज़ की गई हैं वो बड़ी ही अमेजिंग किस्म की शीट्स हैं, और ये जो है बड़ा ही प्रॉपर साइज में इन्होंने रैक्स को प्रॉपरली यूटिलाइज़ किया है। यहाँ पर वॉशिंग एरिया दे दिया है, पेंटिंग दे दी, टेक्सचर्ड पेंट दे दिया। यहाँ पर इसका स्टोर रूम आ जाता है, और ये आ जाता है इसका मेड रूम। इसी तरह से यहाँ पर भी आपका स्टोर रूम आ जाता है, तो स्टोरेज प्रॉपर इन्होंने इसमें इस घर में इस साइड पे दे दिया। ये आ जाता है जी बेडरूम, और बेडरूम अगर आप चेक करें तो इंतहाई यूनिक ब्लू कलर में, ब्लू एंड ग्रे में, अच्छा ग्रे के साथ हर कॉम्बिनेशन बनाया गया। नीचे आपने देखा कि मेरून एंड ग्रे था, इसी तरह पिंक एंड ग्रे था, अब इसमें ब्लू एंड ग्रे है। और अगर आप चेक करें तो बेड वॉल इसकी बड़ी ही यूनिक है, बोल्ड बेड वॉल बनाई गई है, साइड पे दो लैंप्स हैं, और प्रॉपर साइज जो है इन्होंने बेड दे दिया है। यहाँ से अगर आप चेक करें तो इसका वॉशरूम आ जाता है, वॉशरूम भी एंगुलर है, आपने एलिवेशन पे देखा है वॉशरूम बहुत अच्छा एंगुलर सा वॉशरूम है। तो यहाँ पे देखें एक इन्होंने प्रॉपर सी इस कॉर्नर को प्रॉपरली कंपोज किया है, ऊपर इसमें इन्होंने मटेरियल्स अच्छे यूज़ किए हैं, कोरियन की स्ट्रिप्स लगा दी हैं, और सेंटर में यहाँ पर आपका जकूजी आ जाता है, ऊपर प्लांट्स आ जाते हैं। ये आपका आ जाता है शावर कैबिन, शावर कैबिन भी अच्छे साइज का शावर कैबिन है, आप देख सकते हैं स्पेस में काफ़ी ज़्यादा, और कोरियन की एजेस हैं। और यहाँ से अगर आप चेक करें तो ग्रोही का कंसील्ड शावर सिस्टम आ जाता है, रेन शावर सिस्टम, विट्रा का इसमें इन्होंने जो है वो कंसील्ड टॉयलेट दे दिया। ये आपकी आ जाती हैं वार्डरोब्स, वार्डरोब्स में अगेन मर्करी मिरर यूज़ किया एंड सॉफ्ट क्लोजिंग मिरर्स दे दिए यहाँ पर। और अगर आप ये चेक करें तो इसकी जो है वैनिटी आ जाती है, वैनिटी पे सिंक है, और सामने एक ओवल सा मिरर है जो कि बड़ा ही फ्यूचरिस्टिक है। अच्छा, चलते हैं जी इसके बाकी राइट साइड की तरफ, और राइट साइड पे जाने से पहले अगर आप चेक करें तो इसका एक छोटी सी ओपनिंग यहाँ पर है, प्रॉपर सा टेरेस है जो एलिवेशन की तरफ ओपन होता है, और ये जो टेरेस है आपका इस बेडरूम के यूजेज में रहेगा। ये एक सिटिंग बड़ी खूबसूरत इन्होंने बनाई है, आप चेक कर सकते हैं कि इस पर प्रॉपर सी एक इन्होंने ओवल साइज के इन्होंने ट्रे यूज़ किया है जिसके ऊपर मेटल के पीसेज हैं, और सोफाज बड़े ही यूनिक है। चलते हैं जी एलिवेशन की राइट साइड पर, और राइट साइड जो है वो दिखाते हैं आपको। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि ट्रेवर्टीन का यूज़ किया गया है, एंड यहाँ पर एक प्रॉपर सा वॉल लैम्प है। यहाँ से आ जाता है जी एलिवेशन का राइट, और ये आपकी लॉबी का अगर आप व्यू चेक करें तो बहुत ही अमेजिंग है। यहाँ से आ जाएगा जी हमारा टीवी लाउंज, फर्स्ट फ्लोर का टीवी लाउंज यहाँ पर बन गया, और टीवी लाउंज को अगर आप चेक करें तो बेज एंड ब्राउन बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही यूनिक बेज एंड ब्राउन कलर में इन्होंने टीवी लाउंज दे दी है। और आपका कॉर्नर सोफ़ा है, आई थिंक ये 12 सीटर कॉर्नर सोफ़ा है, और यहाँ पर आपका एक चेस्टर सोफ़ा आ जाता है। चेस्टर सोफ़े की अगर आप लुक चेक करें तो इसका मटेरियल बहुत ही ज़बरदस्त यूज़ हुआ है, इस पर वेलवेट जो यूज़ किया गया बहुत ही हाई क्वालिटी का। यहाँ पर एक फ्यूचरिस्टिक सा लैंप आ जाता है, और ये अगर आप चेक करें तो इसकी मीडिया वॉल बन जाएगी। पीछे आपके टाइल्स हैं, साथ इसमें ब्रास के स्ट्रिप्स हैं, साथ वुडन स्ट्रिप्स हैं, और ये नीचे आपका जो है वो कंसोल आ जाता है। ये जो अगर आप चेक करें तो इसके नीचे
एंगुलर कारपेट दे दिया इन्होंने और साथ ऊपर अब देखें तो इसके कॉफ़ी टेबल आ जाती है। ये इन्होंने छोटा सा कंसोल दे दिया, ऊपर कुछ डेकोरेशन पीसेज आ गए और सेंटेड कैंडल्स लगी हुई हैं। अगर हम राइट साइड पर जाएं इसके तो आपका एक छोटा सा एरिया यहाँ पर है, बेडरूम है, ये वॉक वे पैसेज है, आप देख सकते हैं कि इतने बड़े साइज़ का है बट इसका यूटिलाइजेशन प्रॉपरली की गई है, पेंटिंग लगी हुई है। यहाँ से आपको अपनी लॉबी का व्यू नज़र आ रहा है और ये आ जाता है अगेन इसका बेडरूम। बेडरूम अगर आप देखें तो बहुत ही खूबसूरत किस्म की बेड वॉल यूज़ की है और इसका जो फर्नीचर है वो बहुत ही यूनिक है, बहुत ही अमेजिंग फर्नीचर यूज़ किया है इन्होंने। आप साइड टेबल भी यूज़ की हैं अच्छी लेवल की और साथ आप अगर देखें तो बेज कलर में फर्नीचर है, ग्रूव्स एंगुलर लाइंस हैं, यहाँ पर आ जाती है इसकी सिटिंग। और ये सिटिंग अगर आप चेक करें तो ब्लैक कलर में और ऊपर ऑफ वाइट कलर की थ्रोज हैं, कुशंस हैं, मेटल के पीसेज हैं, साथ नीचे यहाँ पे शैंडलियर्स आ जाते हैं और यहाँ से भी टेरेस की ओपनिंग एंट्रेंस है। तो ये आ जाती है जी कॉफ़ी टेबल। इसकी कॉफ़ी टेबल के बाद अगर आप चेक करें तो मीडिया वॉल आ जाती है, मीडिया वॉल में भी इन्होंने प्रॉपरली एक बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का कंसोल दे दिया, ऊपर इन्होंने एलईडी टीवी दे दिया। यहाँ से चलते हैं इसके वॉशरूम में, अगर आप एंटर हों तो इस बेडरूम का वॉशरूम आ जाता है, वॉशरूम भी एक बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का वॉशरूम दे दिया इन्होंने। यहाँ पर अगर आप चेक करें तो वार्डरोब आ जाती है, ये आपकी आ जाती है वैनिटी, वैनिटी में एंगुलर वैनिटी आ गई प्लस इसमें जो है वो आप देख सकते हैं टैप लगा हुआ है और ओवल राउंडेड कॉर्नर्स का रेक्टेंगुलर मिरर है और साथ वॉल लैंप्स लगे हुए हैं। टाइल्स में ग्रूव्स हैं, आप देख सकते हैं वुडन ग्रूव्स हैं और साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं जकूजी है। ये आ जाता है आपका शावर कैबिन अगेन ग्रोही की फिटिंग्स के साथ और ये आपका टॉयलेट एरिया आ जाएगा, कंसील टॉयलेट यूज़ किया इन्होंने, साइड पर टॉवल हैंगर है और पीछे टेक्सचर टाइल्स हैं। चलते हैं जी इसके लास्ट बेडरूम की तरफ, फर्स्ट फ्लोर के उसके बाद बेसमेंट आपको चेक कराते हैं। बेसमेंट में भी इसके बहुत मजे के फीचर्स हैं तो बेसमेंट देख के भी आपको बड़ा मजा आएगा, कम विद मी। अब ये आ जाता है जी इसका लास्ट बेडरूम एंड लास्ट बेडरूम की तरह अगर आप चलें तो एक अमेजिंग सी जो है वो इसकी फील है। आप देख सकते हैं कि इसमें ग्रीन एमरल्ड कलर यूज़ किया है, बेज कलर यूज़ किया है, पीछे जो बेड वॉल है अगर आप वो देखें तो अंदर शीट्स का पैटर्न नेचर पैटर्न है, पीछे WPC शीट्स हैं, साइड पे इसके जो है वॉल लैंप्स हैं, साथ इसमें फ्यूचरिस्टिक से स्टैंड वाले लैंप्स हैं और साइड पर साइड टेबल्स आ जाती हैं। तो ये भी एक बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का बेड है, यहाँ पर आपकी छोटी सिटिंग आ जाएगी, ऊपर एक पेंटिंग है और प्रॉपरली कंपोज इसमें दो वॉल लैंप्स आ जाते हैं। ये आ जाता है इसका वॉशरूम, वॉशरूम की अगर आप टाइल चेक करें सबसे पहले तो इसका मिरर मुझे बहुत पसंद आया कि आप देख सकते हैं कि टू पीसेज मिरर है और उसमें LED बैक लाइट है और साथ यहाँ पर पूरी टाइल आ जाती है, कोरियन वर्क है प्लस एंगुलर ग्रूव्स में इसकी टाइल्स हैं यहाँ पर भी। और ये एक प्रॉपर इसका जो है कॉर्नर पे इसका शावर कैबिन आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएंगी इसकी वार्डरोब्स, वार्डरोब्स की अगर आप चेक करें तो इसमें ड्रॉर्स वगैरह भी हैं, रैक्स भी हैं और ये आ जाता है इसका कंसील टॉयलेट। चलते हैं जी इसकी बेसमेंट की तरफ, बेसमेंट जाके देखते हैं कि बेसमेंट में क्या क्या है। बेसमेंट में आते साथ ही आपको एक बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की फील आएगी, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपकी जो स्टेयरकेस है वो एक पूल की आपको बैक साइड बन जाती है और यहाँ से अगर आप चेक करें तो आपकी एक प्रॉपर सी इन्होंने वन स्टेप अप करके सिटिंग दे दी है, पीछे छोटी सी इन्होंने ओपनिंग दे दी। ये वो विंडो है जो आपको फ्रंट एलिवेशन से नज़र आ रही थी, ऊपर तक ग्रिड है इसमें और यहाँ से आपको शैंडलियर भी नज़र आ रहा है, तो ट्रिपल हाइट कटिंग यहाँ से आपकी बेसमेंट की बन जाती है और ये एक बड़ा ही प्रॉपर सा इन्होंने एक ऑटोमन दे दिया प्लस को पीछे कॉम्पोजिशन दे दी, पेंटिंग आ गई। नीचे अगर आप चेक करें तो इसमें वीव्ड पैटर्न में इसमें जो है वो काओ स्किन आ जाती है, ये एक्चुअली फॉक्स काओ है तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना। तो यहाँ पर अगर आप आ जाएं तो ये आपका ब्रास का प्लस मार्बल का, इसमें मार्बल टॉप के साथ कंसोल आ जाता है प्लस मिरर आ जाता है, पीछे ट्रेवेटिन है और ऊपर इसमें ब्रास की स्ट्रिप्स हैं। यहाँ से अगर आप अंदर चलें तो अंदर आपका टीवी लाउंज आ जाता है, इसके साथ पाउडर रूम भी इन्होंने एक अटैच दिया है। पाउडर रूम अगर आप चेक करें तो अगेन इंतहा खूबसूरत, ऊपर वाले थीम से बिल्कुल डिफरेंट, ऊपर का थीम इन्होंने डार्क दिया था, नीचे बड़ा लाइट कलर यूज़ किया है। डी शेप मिरर है इसमें, इन्वर्टेड डी और प्लस कोरियन की वैनिटी आ जाती है, इसमें कंसील टॉयलेट एरिया आ जाता है, पीछे विंडो आ जाती है और यहाँ से अगर आप चलें तो आपका टीवी लाउंज आ जाता है। अगेन टीवी लाउंज में एक बहुत ही प्रॉपर सा बड़ा मजे का कलर कॉम्बिनेशन दिया है इन्होंने, आप देख सकते हैं ग्रीन एमरल्ड के साथ वाइब्रेंट येलो कलर दिया है इन्होंने और ये जो फरारी वाला येलो इन्होंने यूज़ किया है वो बहुत ही उठ रहा है इसमें। और पीछे आप देख सकते हैं कि वॉल लैंप्स हैं प्लस इसमें प्रॉपर सी इसमें तीन पेंटिंग्स आ जाती हैं, इसमें इन्वर्टर्स लगे हुए हैं पूरे घर में और ये जो आप चेयर्स देखेंगे चेयर्स बहुत ही यूनिक एंड मज़े की हैं, पीछे गोल्डन कलर की पेंटिंग आ जाती है। ये आ जाती है इसकी मीडिया वॉल, अगर आप यहाँ पर चेक करें तो कॉफ़ी टेबल के ऊपर इन्होंने वुडन का पैटर्न दिया है, बड़ा ही प्रॉपर साइज में एक कॉफ़ी टेबल आ जाता है। साइड पे दो स्टूल्स हैं, यहाँ पर भी एक सिटिंग है और ये एक जो है एरिया इनका मीडिया वॉल का बन जाता है, नीचे कंसोल है और वुडन प्लस ब्रास के स्ट्रिप्स हैं। यहाँ से हम चलते हैं इसके सिनेमा की तरफ, थिएटर की तरफ, थिएटर चेक करते हैं। अच्छा, सामने अगर आप देखें तो बिल्कुल सामने इसका सर्विस किचन है और सर्विस किचन के साथ जो है अगर आप देखेंगे तो एक साइड पे स्टडी एरिया इन्होंने दे दिया, सर्विस किचन के अंदर इन्होंने मर्क्यूरी मिरर दे दिया, साथ इसमें कोरियन की शेल्फ आ गई प्लस इसमें वॉशिंग एरिया आ गया। तो यहाँ से अगर आप आएँ तो ये आपका सीन बन जाता है थिएटर का और
गेंद बहुत ही सॉफ्ट सा मटेरियल इन्होंने यूज़ किया कारपेट पे, और पीछे LED लाइट्स हैं और साथ रोब लाइट्स यूज़ की हुई हैं, 3D सराउंड साउंड सिस्टम यूज़ किया इन्होंने प्रॉपर, इसमें जो है वो रिक्लाइनर्स हैं, इंपोर्टेड रिक्लाइनर्स, और यहाँ पर आवाज़ भी आपकी जो है वो एकूस्टिक प्रोटेक्शन की वजह से बड़ी ही प्रॉपर हो रही है। यहाँ से वन स्टेप अप जाएँ तो आपका जो है वो सिंगल लाइन आ जाती है, उसके बाद एक और स्टेप अप तो आपकी जो है वो सेकेंड लाइन आ जाती है। तो यहाँ पर अभी इसमें ट्विटर्स अटैच होंगे, मॉनिटर्स इसमें जो है वो लगे हुए इंपोर्टेड, और सामने आपका आ जाता है प्रोजेक्शन स्क्रीन और नीचे उसका कंसोल आ जाता है। चलते हैं जी इसके पूल एरिया की तरफ, उसके बाद आपको इसका लास्ट बेडरूम दिखाते हैं और उसके बाद इस घर की आपको प्राइस भी बतानी है। तो ये बन जाता है जी इसका पूल का एरिया, टोटली खूबसूरत सा इसमें जो है वो पूल दिया उन्होंने, ब्लू मोजैक इसमें प्रॉपर यूज़ किया है। यहाँ से आपका संकेन एरिया बन जाता है, प्रॉपर ओपनिंग है, और ये आपका जो है इसमें डाउन स्टेप्स जा रहे हैं, और साइड पे अगर हम इसके चलें तो एक बड़ा ही यूनिक सा पूल का इसका इफेक्ट है। और एक सामने इसकी जो है वो बार आ जाती है, बार में इन्होंने जो टाइल्स यूज़ किए नीचे आप देख सकते हैं कि इसमें पेबल्स यूज़ किए हैं, प्लस इसमें सॉलिड जो है ग्रे कलर की टाइल है, ये आपकी बार बन जाएगी। यहाँ पर आपकी बॉटल्स, आपका जो है वो सामान वगैरह आ जाएगा। यहाँ पर सर्विंग इसमें जो है वो आइलैंड है, और ये यहाँ से एग्जिट है बाहर की तरफ। और पूल की अगर आप अगेन एक लुक देखें तो बहुत ही यूनिक सी लुक है, और इस पूल की खास बात यह है कि इसको तीन साइड से एंट्रेंस लग रही है आपके, वहाँ से बेडरूम है उसकी एंट्रेंस भी आ रही है, जो अभी आपको हमने रूम दिखाया TV लाउंज उसकी एंट्रेंस भी यहाँ से है। अच्छा, पूल के साथ ही यहाँ पर लेफ्ट साइड पे चेंजिंग रूम्स भी दो हैं, तो आपको यहाँ पे पूल में भी किसी किस्म की यूटिलाइजेशन की कमी नहीं होनी, यूटिलिटी इसकी पूरी दी है उन्होंने, तो यूटिलाइजेशन हर चीज़ की यहाँ पे प्रॉपर की गई है, स्टोन्स यूज़ किए गए हैं, विंडोज़ का, नेचुरल लाइट का, हर तरह से प्रॉपर यूटिलाइज किया गया है। अच्छा, यहाँ से अगर हम बाहर आ जाएँ तो पूल का एरिया अगेन आपको विंडो से बहुत ही प्यारा व्यू नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर आ जाता है टॉप पर एक ग्लास का ब्रिज, जो कि आपको मैंने ऊपर से भी दिखाया है। और चलते हैं जी इसके बेडरूम की तरफ, अगेन फुल वॉल्स में नोवा पेंट है, तो बेसमेंट में भी इन्होंने हर वॉल के ऊपर प्रॉपरली पेंट किया है। और ये आ जाता है इसका मास्टर बेडरूम, मास्टर बेडरूम का अगर हम फैन ऑफ करें तो फैन के स्विचेस आप चेक कर सकते हैं कि स्विचेस इसके टच सेंसिटिव हैं, और आप इसमें लाइट्स भी देख सकते हैं प्रॉपरली, इसकी जो है वो LED डिस्प्लेज हैं। और ये आ जाता है इसका खूबसूरत सा ब्लैक, बेज एंड रेड कलर में इसमें इन्होंने जो है वो बेडशीट दे दी ऊपर। और ये आ जाता है इसका ड्रेसिंग एरिया, ड्रेसिंग एरिया में साइड पे वेलवेट है, प्रॉपर साइज का जो है वो ड्रेसिंग टेबल है, WPC पैनल्स हैं आप चेक कर सकते हैं, वुडन पैनल्स हैं, और साथ यहाँ पर आपकी जो है मर्करी मिरर है, पीछे टफ्टिंग है, प्लस इसमें एंगुलर ग्रूव्स हैं, नीचे जो कारपेट है वो बड़ा ही प्रॉपर यूज़ किया गया है। और यहाँ पर आपका ऑटोमन आ जाता है, ये बेडरूम की सिटिंग आ जाती है जिसका व्यू पूल की तरफ है, और फर्नीचर इसका बड़ा ही लग्जरी स्टाइल का फर्नीचर इन्होंने दे दिया है, बहुत ही खूबसूरत सा घर है। और आप देख सकते हैं सीलिंग की डिज़ाइन बहुत ही यूनिक है, डिफरेंटली ऑफसेट्स में सीलिंग है। ये इसकी बन जाती है मीडिया वॉल, अगर आप मीडिया वॉल दिखाएं इसकी तो मीडिया वॉल भी बड़ी ही टॉप की मीडिया वॉल बन जाती है यहाँ पर। और ये प्रॉपरली आपका जो है वो एक इसमें पेंटिंग का कॉम्पोजिशन है, इसको आप रिप्लेस करके LED TV लगा लें, इसमें जो पेंटिंग्स हैं वो थोड़ी साइड पे कर लें, तो ये प्रॉपर से आपकी मीडिया वॉल बन जाती है, कंसोल बड़ा प्यारा है इसमें। यहाँ पर चलते हैं जी लास्ट बाथरूम की तरफ, नीचे बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की प्रिंट टाइल्स हैं, और ये आप देख सकते हैं कि टेक्सचर टाइल्स यूज़ किए हैं, टेक्सचर टाइल आपको पता है कि बहुत ही यूनिक इफेक्ट देती है लाइट का, एंड एक बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का इसमें जो है वो व्यू बन जाता है। ये आपका आ जाता है आपका जो है वैनिटी आ जाती है, साथ इसमें रेक्टेंगुलर ओवल जो है वो इसमें मिरर आ जाएगा, साथ वॉल लैंप्स हैं। ये आपका वन स्टेप अप, नीचे छोटी टाइल्स लगा के इन्होंने पीछे सीमलेस पैटर्न में दो टाइल्स दे दी, प्लस जकूजी आ जाएगा, जकूजी भी फुली इक्विप्ड है जेटर्स के साथ है, और ये आपका शावर कैबिन आ जाता है। यहाँ पर इन्होंने इसकी वार्डरोब्स दे दी हैं, तो बड़ा ही अमेजिंग किस्म का फुली इक्विप्ड घर है, और इसकी जो डिमांड है वो 42 करोड़ है। तो अगर आप ख़रीदना चाहते हैं घर, नीचे हमारे नंबर दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, आपको ये घर बहुत ही अच्छी प्राइस में इस वक्त मिल रहा है, क्योंकि घरों की जो प्राइजेस हैं वो कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही हैं, तो ये आपकी जो इन्वेस्टमेंट है बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब टू माई चैनल, और थैंक यू सो मच टू अलवासे बिल्डर्स जिन्होंने हमें ये घर अलाउ किया घर की वीडियो करने के लिए। तो अब मैं चलता हूँ, थैंक यू सो मच, एंड अगली वीडियो में आपको मिलेंगे। अगर आपके पास ऐसा घर नहीं है और आपके पास ऐसे घर खरीदने के पैसे नहीं है, तो इंशाल्लाह दुआ करते रहें, मेहनत करते रहें, अल्लाह ताला आपको बहुत जल्द इससे भी बेहतर घर देगा। और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, कमेंट करें इस घर में जो पसंद आया। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।